इंदौर में भूमाफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के चलते लसूड़िया पुलिस ने लाखों रुपए के फ्लैट के मामले में धोखाधड़ी करने वाले मेसर्स गेटवे देवकांत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर गोपाल जावड़ेकर को गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा माफियाओं पर की जा रही कार्रवाई के चलते लसूड़िया थाने पर शिकायत के बाद पुलिस ने गोपाल जावड़ेकर को गिरफ्तार किया है, जिसके द्वारा फरियादियों को जमीन आवंटित करने का प्रलोभन देकर लाखों रुपए नगद एक लिए गए थे। फरियादियों द्वारा की गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोपाल जावड़ेकर को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी से कई मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपी गोपाल गावड़े हैं, जिसने करीब साल भर पहले वृंदा पटौती नामक एक महिला से दो फ्लैट बेचने के नाम पर 45 लाख रुपये लिए थे, एग्रीमेंट किया था, और जिस जगह पर इसने अपनी एक मल्टी बनना बताई थी उस जगह पर मल्टी ना बनाते हुए किसी और को वो ज़मीन बेच दी। जब आवेदिका को इस बारे में जानकारी मिली तो उसने कंप्लेंट की, उस आधार पर जांच के उपरांत धारा 420 का मुकदमा कायम हुआ है। गोपाल गावड़े को आज हमने गिरफ्तार किया। सर, इसके कोई पुराने भी आपराधिक रिकॉर्ड मिले हैं क्या? अभी तक पुराने आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, कितने की ज़मीन होगी, क्या धोखाधड़ी? करीब 45 लाख रुपये की धोखाधड़ी इसके द्वारा की गई है। इसके अलावा इसके अन्य साथी कुछ हैं सर? इसका बैकग्राउंड, इसकी जो कंपनी है उसमें इसकी पत्नी है ममता गावड़े, वो भी इसमें आरोपी है। सर, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या करता है? ये रियल इस्टेट में काम करता है, प्रॉपर्टी ब्रोकर है, इसके अलावा कुछ कॉलोनी वालों भी काटता है।